हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, इसी को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो दो तरह के सवाल हैं, दोनों अलग अलग तरीके से हैं। तो पहला सवाल देखिए, 3x-5 बराबर x प्लस 3 है, तो इसे भी सॉल्व करना बहुत ही सरल है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि इस साइड जो था चर रहता था, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है और यहाँ इस साइड भी क्या है, x है। पहले एक ही साइड x रहता था, तो इसको भी सॉल्व करना बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए 3x-5 है और यहाँ पर x प्लस 3 है, तो इस x को हमें क्या करना है, इस साइड लेके आना है और इस 5 को हमें इस साइड भेज देना है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसे हम आसानी से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 3x है, तो इसे आप 3x लिख दीजिए। यहाँ पर जो x है उसको इस साइड लेके आना है, बीच में देखिए बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो x इस साइड जब आएगा तो माइनस x हो जाएगा। आगे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए -5 है, इसको हमें इस साइड लेके जाना होगा, तो जब वो इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 है, इसको +3 लिख लीजिए। अब इस -5 को इस साइड जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए 3x-x है, तो जब 3x-x आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कितना, 2x, उसे आप आसानी से लिख लीजिए। बराबर देखिए +3 है और +5 है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2x बराबर कितना है, 8। अब हमें x का मान निकाल लेना होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 2x है, 2x है ना। अगर कोई चीज़ जैसे लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब होता है 2x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आप x 2 को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पर गुणा है तो इस साइड जब आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। अब इसे आप काट के सरल कर लीजिएगा, 2 × 2, 2 × 4, 8। तो आपको मालूम चल गया होगा कि x बराबर हमारा कितना आ गया है, 4 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, कोष्ठक में है x-1 बराबर 10-x लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले इस 2 का इस कोष्ठक वाले में गुणा कर लेना है। तो पहले आप 2 का गुणा x में करेंगे, फिर इसके बाद 2 का गुणा 1 में करेंगे। तो जब 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, उसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 2 का गुणा जब आप यहाँ पर -1 में करेंगे, तो 2 का गुणा जब -1 में करेंगे हो जाएगा -2। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। बराबर का चिन्ह लगाइएगा, इधर 10-x लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 10-x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको देखिए 2x लिखा हुआ है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो इस x को हमें क्या करना है, इस साइड लेके आना है। तो यहाँ पर -x है और जब ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x और इस -x को जब हम इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा +x। अब हमें बराबर का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पर -2 है तो इसको हमें इस साइड लेके जाना होगा, तो जब यहाँ पर -2 है तो इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर आगे 10 है, इसके आगे यहाँ पर -2 था, इस साइड हमने लेके आया तो कितना हो गया, +2। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए 2x+x दिख रहा है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+x 3x हो जाएगा। कितना, 3x बराबर आपका है 10+2, तो 10+2 कितना होता है, 12 होता है, उसे आप लिख लीजिएगा। 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3। यहाँ पर 3 गुणा है तो इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 12/3। तो 3 से काट दीजिए, 3 × 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है आपका, 4। इसका भी आंसर कितना होगा, 4 होगा। अगर मान लीजिए आपको सत्यापन करने के लिए इस प्रश्न का बोले कि 2x-1 बराबर 10-x कैसे है, तो आपने निकाला है कि x बराबर कितना आया है, 4। तो इस प्रश्न में x जहाँ है वहीं पर आपको क्या है, 4 लिख देना है। तो कैसे होता है सत्यापन, वो भी आप देख लीजिए। आप इस तरह से लिखेंगे, प्रश्न था आपका 2 कोष्ठक में x-1 है, 2 कोष्ठक में x-1 है, बराबर में आपका था 10-x, कितना था, 10-x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4 आई है। तो जहां पर x है वहीं पर आपको क्या करना है, 4 लिख देना है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर 2 है तो 2 को उसी तरह लिख दीजिए, x की जगह पर आपको 4 लिखना है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाइए,
10 माइनस कितना लिख देना है आपको यक्ष की जगह पर 4। तो इसी प्रकार से सत्यापन होता है, 2 का गुणा आपको 4 में करना है तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 है, फिर इसके बाद 2 का गुणा आपको 1 में करना है तो माइनस कितना हो जाएगा 2 के 2, तो 8 माइनस 2 इस साइड आया है। और इस साइड देखिए 10 में से जब आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 8 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर बराबर 6 पहले से है तो बराबर 6। तो जो इस साइड है वही इस साइड भी अगर आए तो समझ लीजिएगा आपका सत्यापन क्या है, सही हो गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जरूर यह वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।